हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। देख सकते हैं मेरे पास आज आईटेल की मोबाइल है, जिसको कि हमको गूगल अकाउंट बाईपास करना है। बिल्कुल नया प्रोसेस बताऊंगा। इस प्रोसेस से आपके आईटेल के लगभग सारे मोबाइल हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं मेरे पास एक एग्जांपल के लिए है कि A42 मोबाइल है, इसे हम लोग गूगल अकाउंट बाईपास करेंगे। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ये आ गए हम लोग मोबाइल के होम स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको सबसे पहला काम होगा कि आप किसी के वाईफाई के थ्रू अपना इस मोबाइल को कनेक्ट कर लेंगे। किसी के वाईफाई या फिर किसी के हॉटस्पॉट से आप अपना नेट को कनेक्ट कर ले इस मोबाइल में। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे सेट अप एज न्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं सी ऑल वाईफाई लिखा हुआ, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से देखिए मेरी वाईफाई ऑन है, तो ये कनेक्ट कर ले रही है। तो इसमें मैं पासवर्ड डालता हूँ जिसके कि ये प्रॉपर वे में कनेक्ट हो जाए। देखिए कनेक्टिंग हो रही है प्रोसेस और कनेक्टेड शो कर रही है। तो इसके आगे आपको आगे नहीं जाना है, बस बैक करना है। बैक करने के बाद आपको फिर से वापस पुनः पहुंचना है कहाँ, तो होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे जाने के बाद यहाँ देखिए वापस हम लोग होम स्क्रीन पे आए हैं। तो इसमें आपका काम होगा कि टॉक बैक को ऑन करें। तो ऑन करने की प्रोसेस है कि आप डबल फिंगर से कुछ इस टाइप से आप स्क्रीन को क्लिक करके हुए रखेंगे दोनों फिंगर को कुछ देर के लिए, कम से कम 30 सेकेंड तक यहाँ से आपको करके रखना है। देखिए तो इस तरह से विंडो आपको ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपको एल साइज बनानी है कुछ इस तरह से। एल एक बार बनाएंगे तो यहाँ ऑप्शन खुलेगी। देखिए ये सारे ऑप्शन खुल के आए हैं। तो इसमें आपको क्लिक करना है टॉक बैक सेटिंग पे। इस पर क्लिक करने के लिए जल्दी जल्दी से आपको 2 बार क्लिक करनी पड़ेगी, तब ये जाके क्लिक होती है। यहाँ से देखिए डबल फिंगर को पकड़ के स्क्रॉल डाउन होते हैं। चलिए टॉक बैक को ऑफ करते हैं। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस वॉल्यूम का आपको कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है और यहाँ पे ओके ये ऑप्शन खुलेगी, तो आपको ओके करना है। एक बार क्लिक करें, उसके बाद जल्दी जल्दी से फिर 2 बार। देखिए बंद हो गई, अब एक बार में ही सारे फंक्शन काम करेंगे हमारे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अबाउट स्विच एक्सेस पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यूट्यूब शो करेगी, तो इस पर आपको प्ले करना है। प्ले करने के बाद कुछ देर टाइम लेती है, तो ये वेट कर ले। उसके बाद जो लिखी हुई ऊपर आएगी उस पर आपको क्लिक करना है। देखिए लिखी हुई आ गई है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इससे होगा कि ये आप YouTube के पेज पे आपको ले आएगी। पेज पे आ गए, अब इसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे करते हैं और यहाँ पे देखिए एक आदमी के टाइप की बनी हुई दिखाई दे रही है आपको आइकॉन। इस पर आपको क्लिक करना है और नीचे जाते हुए टर्म एंड प्राइवेसी पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ से क्रोम के ऑप्शन आएगी, इसे जस्ट वन करके ओके कर देना है। इसे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद देखिए कुछ टाइम लेगा। उसके बाद नेक्स्ट इसको करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद नो थैंक्स कर देंगे और यहाँ से ये क्रोम की पेज हमें खुल के आ जाएगी। तो यहाँ सर्च बार में आपको लिखना है एपेक्स लॉन्चर, APEX टाइप करें, APEX उसके बाद लॉन्चर। तो नीचे देखिए लिखी हुई आ गई है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना है एपेक्स लॉन्चर को। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे तो एक ऑप्शन मिल जाएगी आपको फ्री वाली कि एपेक्स लॉन्चर कैसे डाउनलोड करनी है। तो देखिए यहाँ पे मुझे मिल गई, तो इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए ये खुल गई, इसके अगला पेज में हम लोग आ गए। नीचे जाएंगे तो रेड कलर में आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए ऊपर में ब्लू कलर में डाउनलोड ऐप्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ टाइम में खुलती है, धीरे धीरे खुलती है। देखिए खुल गई अगला पेज। अगला पेज के बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी कुछ देर में। यहाँ पे देखिए आ गई ऑटोमेटिकली, अगर ना आए तो वहाँ क्लिक है यार लिखी हुई, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। ओके कर देंगे इसको। ओके करने के बाद ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये 4 से 5 MB की फाइल होती है या कहीं किसी दूसरे
ऐप्स को आप डाउनलोड करोगे, एपेक्स लॉन्चर का, इसके सारे बहुत सारे आते हैं, तो कोई कोई 20 MB की भी होती है। तो यहाँ से देखिए, इस पे आपको लिखना है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ये मैसेज आपको शो करती रहेगी, तो इसको आपको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है, तब तक यहाँ पे आपको लिखना है मोबाइल सॉल्यूशन पॉइंट सर्च बार में, और एक ऐप्स हम लोग को डाउनलोड करनी है, तो मोबाइल सॉल्यूशन पॉइंट आपको लिखना है। इसकी स्क्रीन अच्छे से काम नहीं करती, चलिए इस पर क्लिक करते हैं, नीचे आ गई है। क्लिक करने के बाद देखिए, ये सबसे ऊपर FRP अनलॉकिंग ऐप है, इसको काट देता हूँ। इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये मैसेज वाली आइकॉन आपको दिख रही है, तो उसे टेंशन नहीं लेना, वो आते रहेगी। वो टैग टॉक बैक हम लोगों ने ऑन करा था, इसका है ये मैसेज। तो इसको देखिए, यहाँ पे चार लाइन दिखाई दे रही होगी, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें देखिए FRP ऐप्स लिखा हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आप जाएंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए, चलिए चलते हम लोग नीचे। नीचे जाइएगा तो वहाँ पे आपको दिखेगी गूगल अकाउंट, देखिए सैमसंग गूगल अकाउंट बाईपास, तो इस पर आपको इंस्टॉल करना है इसको। यहाँ आप क्लिक करेंगे, आपको फिर लगेगा कि मेरे तो मोबाइल आईटेल की है और इसको क्यों डाउनलोड कर रहा हूँ, तो डोंट वरी, इससे आपकी हो जाएगी गूगल अकाउंट बाईपास। यहाँ देखिए ये ऐप्स डाउनलोड होने लगी है, तब तक हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं अपेक्स लॉन्चर को। नीचे जाएंगे, अननोन सोर्सेस को ओके कर देंगे, बैक करेंगे एक बार। बैक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है, तो इंस्टॉल ये होने होगी, उसके बाद इसको हम लोग ओपन करेंगे। बिल्कुल नया प्रोसेस है, आप पे के मोबाइल पे ज़रूर फंक्शन काम करेगी। देखिए ओपन कर दिए, तो इससे हुआ ये कि हम लोग ये इसके मेनू में आ गए हैं मोबाइल के। तो यहाँ से देखिए, हम लोग को अब कुछ कुछ एप्लीकेशन को बंद करनी होगी, तो हम लोग इसके लिए सेटिंग में जाएंगे। देख सकते हैं नीचे की ओर सेटिंग दिखाई दे रही है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। चलिए क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाके सिक्योरिटी में जाना है। ये रही हमारी ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर है, इस पर आपको टिक करके हटा देना है उसको, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, ये टिक हट गई। टिक हटने के बाद आपको फिर से एक बार बैक जाके एप्लीकेशन में जाना है। ऊपर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देखिए स्क्रोलर अप करने के बाद ऐप्स का ऑप्शन है, तो इसमें आपको ऊपर देख पा रहे होंगे डॉट है 3, तो इस पर आपको क्लिक करना है और इसको शो सिस्टम कर देना है, ताकि इसमें जो हेड इन फाइल है वो भी हमें शो करने लगे। नीचे जाएंगे, जी में पहुंचना है, गूगल अकाउंट मैनेजर में, तो जी स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाता हूँ। देखिए यहाँ पे गूगल अकाउंट मैनेजर, इस पर आपको क्लिक करना है एक बार, और यहाँ पे डिसेबल लिखी हुई है, इसको ओके कर देना है, तो ये एप्लीकेशन जो है हमारी डिसेबल हो जाएगी। नीचे जाएंगे और देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन है, इसको भी आपको डिसेबल कर देना है। नीचे देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर, गूगल प्ले सर्विस और गूगल प्ले स्टोर दोनों को डिसेबल करना है। तो हम लोगों ने 3 ऐप्स को डिसेबल किया है, बैक जाएंगे, इसके बाद अगेन हम लोग क्रोम में जाएंगे। क्रोम में जाने के बाद चेक करते हैं वो डाउनलोड हुई है या नहीं, जो हम लोगों ने डाउनलोड में चढ़ाया। तो देखिए ये 25 MB की फाइल हो चुकी है, ये 28 MB की फाइल होती है, ये ध्यान देंगे, कभी कभी ये 25 MB भी डाउनलोड होकर कट जाती है, तो वो फाइल फिर काम नहीं करती। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि ये 28.4 MB की है या नहीं। देखिए डाउनलोड हो गई है पूरी, इसे ओपन करते हैं हम लोग, ओपन का ऑप्शन आया है तो ओपन कर लेते हैं। ओपन करके इसको सिंपली हम लोग इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल हो गई है, ये कुछ टाइम लगेगी इंस्टॉल होने में। तो बिल्कुल नया मेथड बता रहा हूँ, उम्मीद है आपका मोबाइल इससे गूगल अकाउंट बाईपास हो जाएगा, आपको किसी दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ये आप खुद से ही कर सकते हो, बस ट्राई करना है आपको। देखिए इंस्टॉलिंग मेरी चल रही है, जैसे जैसे मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वैसे ही करना है। इसको डन कर देना, ओपन नहीं करना, डन कर देना। डन करने के बाद यहाँ से आपको बैक जाना है, बैक बटन के साथ एक एक स्टेप करके आपको बैक जाना है। याद रखेंगे, एक बार बैक करके बैक जब जाएगा तो फिर एक बार क्लिक करना है। अगर जल्दी जल्दी आप क्लिक कर देंगे तो ये फिर से फ्रंट पेज पे आ जाती है, तो इसीलिए आपको धीरे धीरे बस बैक करना है जब तक कि ये मेनू ना आ जाए। देखिए आ गई है फिर से अगेन, तो इसमें हम लोग फिर से जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाएंगे, ये देखिए ये है सेटिंग। सेटिंग पे हम लोग क्लिक करते हैं। सेटिंग में जाने के बाद नीचे जाते हुए अकाउंट में जाएंगे। अकाउंट में जाने के बाद ऐड अकाउंट करेंगे। ऐड अकाउंट देखिए यहाँ पे गूगल आ रही है, तो इस पे आपको क्लिक करके ऐड अकाउंट करना है। तो यहाँ पे आप जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके पास होगी उसको आपको डालना है, जिसका कि आपको पासवर्ड याद हो। और अगर आपके पास ना हो तो जीमेल में जाके एक ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके बना सकते हैं अपना अकाउंट। और या फिर आपके पास ना हो तो किसी और के मोबाइल से भी आप ईमेल आईडी और पासवर्ड बना सकते हो, तो उसको आपको यहाँ पे डालना है। याद रखेंगे इसका पासवर्ड भी आपको याद होना चाहिए। इसका स्क्रीन थोड़े अच्छे से काम नहीं करती हो तो क्लिक कहाँ करता हूँ और होती कहाँ है। देखिए हो गई है, मैंने अपना ईमेल आईडी टाइप कर दिया है। आप मेरा ईमेल आईडी टाइप नहीं करेंगे क्योंकि वो उसका पासवर्ड आपको नहीं पता होगा। तो चलिए यहाँ से फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद नीचे जाते हुए ये हमारी अकाउंट ऐड हो चुकी है, इस पे नीचे जाएंगे स्क्रॉल डाउन के, यस आई एम इन को क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिए हैं, उसके बाद और नीचे जाते हैं, इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आपकी अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो गई है, ऊपर देख सकते हैं गूगल आ रही है। तो यहाँ से अकाउंट ऐड हो गई। अब फिर से अगेन हम लोगों ने जो एप्लीकेशन बंद किया है उसको ऑन करेंगे। तो सेटिंग में चलेंगे, इसको सौ सिस्टम सेटिंग करेंगे और यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए गूगल अकाउंट मैनेजर को सर्च करेंगे। नीचे जाते हैं, देखिए ये रहे गूगल अकाउंट मैनेजर, इसको इनेबल कर देते हैं, पिछले हमने डिसेबल करा था। नीचे जाते हैं, प्ले सर्विस को भी इनेबल कर देते हैं, प्ले स्टोर को भी इनेबल करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने जो एप्लीकेशन डिसेबल किया था उसको इनेबल कर दिए। अब यहाँ से फ़ोन को आपको रीसेट कर देनी है, कुछ नहीं करनी है, बस फ़ोन को रीसेट कर देनी है। रीसेट करने के बाद ये कुछ टाइम में ये ऑन होगी, इस बीच आपको ऑफ नहीं करनी है डायरेक्टली। जैसा जैसा मैं प्रोसेस करते जा रहा हूँ बस आपको सेम वैसा ही प्रोसेस को रिपीट करना है और आपका फ़ोन बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं ये फ़ोन ऑन हो रही है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और काम को आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपका काम हो जाए। यहाँ पे देखिए होम स्क्रीन में अगेन फिर से हम लोग आ गए हैं, तो इसमें विज़न सेटिंग में आपको क्लिक करना है और टॉक बैक जो ऑन है हमारे उसको फ़िलहाल जल्दी से ऑफ़ कर देते हैं। टॉक बैक में जाएंगे और इसको डबल क्लिक करने के बाद ओके करके डबल क्लिक करके बंद कर दिए। अब यहाँ से फिर एक बार में क्लिक में सब काम होने लगेगी। गेट स्टार्टेड करते हैं, इसको स्किप करते हैं और फिर अगेन आपको वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है। ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी, कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस याद रखेंगे कि वाईफाई को बंद नहीं करना है, वाईफाई कनेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। चेकिंग नेटवर्क का ऑप्शन आपको दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ से ये कुछ टाइम लेती है, आप पेशेंस करके देखते रहें। 2 मिनट से 3 मिनट ये टाइम लेती है, मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है तो ये मेरी जल्दी हो जाएगी आपको दिखाने के लिए। हाँ और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप मेरे टाइम से अपने टाइम को करने को ना मिला, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा फास्ट करके ही वीडियो अपलोड किया हूँ ताकि आपका टाइम
ज़्यादा ना लूँ। यहाँ से बस आपको करते जाना है, मेरे टाइम से आप ना मिला, देखिए चेकिंग अपडेट आ गई, यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। ईमेल अकाउंट मेरी ऐड है तो शो कर रही है, आप देख सकते हैं, ये भी कुछ टाइम लेती है। वेट कर लेते हैं जितना देर ये टाइम ले रही है, कुछ कुछ टाइम लेती है। यहाँ पे आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और देखते रहना है, पूरी कंप्लीट प्रोसेस होगी, उसके बाद फ़ोन ऑन होगी, उसके बाद क्या कुछ कठिनाई आती है, एक प्रॉब्लम फिर भी बची रहती है, वो मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, देखिए यहाँ पे ये खुल के आई है, तो इसमें आप पैटर्न डालना चाहते हो पासवर्ड तो दे सकते हो, मुझे फ़िलहाल नहीं डालना है तो इसको नो कर देता हूँ, इसको सेट अप लेटर कर देता हूँ और इसमें नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ, लॉन्चर पे इसको ऑलवेज कर देता हूँ। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से मेरी फ़ोन अब बिल्कुल नई की तरह ऑन हो गई। फिर भी यहाँ देखिए ये मैसेज मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये आते रहती है, तो इसको कैसे दूर करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप जाए सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है, नीचे जाते हुए सर्च करेंगे कि बैकअप एंड रीसेट, इस पर आपको क्लिक करना है और फैक्ट्री डाटा रीसेट पे क्लिक करना है और गेट फोन और एवरीथिंग पे कर देना है क्लिक। तो यहाँ से कुछ देर में फ़ोन रीस्टार्ट होगी और आपको एक फ्रेश फ़ोन मिलेगी जिसमें कि गूगल अकाउंट बाईपास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अर्सी होने लगी है, यहाँ से कुछ टाइम लेती है तो मैंने वीडियो को स्किप किया है। ये फिर से हम लोग आ गए हैं अपने वेलकम पेज पे, ऑन होने के बाद इसको स्किप करते हैं और यहाँ से इसको फिर से हम लोग वाईफाई कनेक्ट करेंगे। चलिए कनेक्ट कर देना है आपको वाईफाई अपना, इसके बाद ये फिर नेक्स्ट जाने लगेगी, ये कुछ टाइम लेगी चेकिंग नेटवर्क का। फिर अगेन सेम प्रोसेस है जो हमने पहले की तरह किया है, इस तरह से आपकी फ़ोन अच्छी तरह से वर्क करने लगेगी और बन जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी और आप बिल्कुल ही अच्छे से इसको कर लिए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं भी किसी भी प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखते हैं यहाँ से, देखिए चेकिंग फॉर अपडेट आ रही है, ये कुछ टाइम लेती है तो आपको पेशेंस बना के ही काम को करना होगा, कम से कम आधा घंटा इसमें आपको ज़रूर लगेगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी टाइमिंग कितनी चली गई है, इससे ज़्यादा टाइम मुझे लगी थी। ऑन कर देना है, नेक्स्ट करते हुए जाना है, फिर इसमें आप अपना नाम दे सकते हो, नाम ऑन हो तो ना भी दे सकते हो, नेक्स्ट करते हैं। पैटर्न पासवर्ड डालना हो तो आप डाल सकते हो, मुझे नहीं डालना इसीलिए स्किप एनीवे मैं कर देता हूँ। यहाँ से आपको नीचे जाना है, यहाँ पे सेटअप लेटर पे इसको क्लिक करना है, इसको क्लोज ऐप कर देना है, इसको अलाउ करना है, ये सब को इसको गो इट करना है। देख सकते हैं आप यहाँ और कोई मैसेज शो नहीं कर रही है, अब आपकी फ़ोन अच्छी हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़।